अभी तक आपने लहरों के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करती हुई देखा होगा, लेकिन तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां नर्मदा उफान पर है, बरगी बांध के 17 गेटों से 177,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। बावजूद इसके एक दर्जन से अधिक तैराकों ने भारी बारिश के बीच नर्मदा में छलांग लगा दी और 6 घंटे में 25 किलोमीटर की तैराकी कर बरगी बांध से गौरी घाट तक पहुँच गए। पाले थे तू पकड़ा ना हाँ। पाले थे चाबी चाबी हाँ वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है बच्चों सहित एक दर्जन तैराक अपनी जान जोखिम में डालकर भारी बारिश के बीच बरगी डैम के नज़दीक तैरते हुए नजर आ रहे हैं। मैया की कृपा से ये सब जिलेरी घाट के तैराक आप सभी देख रहे हैं कि हम हर वर्ष इस साल भी ये 25 किलोमीटर का ये हमारा सफर रहता है जिसमें 6 घंटे लगेंगे। बरगी डैम से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और जो कि जिलेरी घाट में समाप्त होती है। नर्मदा मैया भगवती के आशीर्वाद से इतनी बड़ी यात्रा सफल हो पाती है। तो हाइट बढ़ा दी जाएगी और बाढ़ और ऊपर बड़ा आकार ले लेगी और बाढ़ के साथ में हम लोग तैरते हुए जाएंगे। बहुत ही एडवेंचर ये बच्ची हमारे साथ में है। तो उसको बोलो नर्मदा मैया धुआंधाम बारिश। नर्मदा नदी उफान पर है, इस तरीके का स्टंट जानलेवा भी हो सकता है जहां तैराक अपनी मौत को भी कहीं ना कहीं दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह तैराक प्रोफेशनल बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों का कहना है दोबारा इस तरीके से गलती ना हो और अपनी जान जोखिम में ना डालें। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद जबलपुर।